नबा होम डेकोर, कंप्लीट इंटीरियर सॉल्यूशन। आप अपने घर को एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं, वो भी बिना लाखों खर्च किए, तो आइए मुंब्रा के पहले होम डेकोर शॉप पर, जहां मिलेंगे हर इंटीरियर डिजाइन के लिए वॉलपेपर्स, 3D फोम स्टिकर्स, PVC पैनल सीलिंग, POP सीलिंग, WPC पैनल, PVC फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, ग्लास फिल्म और विंडो कर्टन, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। अपने घर को चमकाने के लिए एक बार जरूर आजमाएं नबा होम डेकोर। पता है B6 शिमला पार्क कौसा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। यस वी कैन फाउंडेशन ने दी लोगों को महिलाओं के लिए मनपा की आर्थिक सहायता के योजनाओं की जानकारी। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फरवरी मार्च महीने में थाने मनपा द्वारा आर्थिक सहायता की विभिन्न योजनाएं जो है महिला व समाज कल्याण विभाग द्वारा घोषित की जाती है, इनके लिए करोड़ों का फंड आता है, मगर मालूमात न होने की वजह से कई लोग इस योजनाओं का लाभ उठाने से, फायदा उठाने से वंचित रह जाते हैं। खास करके महिलाओं में विधवा और घटस्फोटी यानी तलाकशुदा जो महिला है उनके लिए ये योजनाएं काफी काम की होती है, लेकिन महिलाओं को पता नहीं होता है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। तो इस संबंध में यस वी कैन फाउंडेशन द्वारा रविवार 26 जनवरी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कौसा चांदनगर के सानिया हॉल में इन तमाम आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं की जानकारी का एक कार्यक्रम रखा गया था। किस तरह से तैयार कार्यक्रम और कैसी थी इस कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति, अन्य लोगों की उपस्थिति देखिए। जज़ाकअल्लाह आप लोग आए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि ये हालात बदलने चाहिए, सारी कोशिश ये है कि ये हालात बदलने चाहिए। रफीक कामदार साहब और जाहिद अली सर से ख़ास रिक्वेस्ट होगी कि ये स्कीम्स के बारे में सुनने के बाद किस तरह से इस स्कीम्स के खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है इस पर हमें बताएं, ताकि इस बार बहुत सारी ज़्यादती और बहुत सारी गलत चीज़ें इस स्कीम्स के मातहत हमारे सरों पर लाद दी गई है। अभी हमारी बहन कमर जहां मुलानी यहां बैठी होगी, वो अंदर आते हुए बोल रही थी कि जो औरत बेवा है, जो तलाकशुदा है और जो परेशान है, वो साल का 1,00,000 रुपए कमाने वाला सर्टिफिकेट कहाँ से ला के देगी। अगर ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाए कि मैंने एक शपथ पत्र एफिडेविट बना दिया कि मैं बेवा हूँ या तलाकशुदा हूँ और मेरी कमाने की कोई जराइब नहीं है, और वो अपना नाम और साइन कर दे, तो उस चीज़ को म्यूनसिपैलिटी को तस्लीम कर लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत वेरीफाई कर ले आधार कार्ड और राशन कार्ड और दीगर चीज़ों के जरिए। पिछले 2 दिन से दिवा और मुंब्रा में कई हज़ारों फॉर्म भर दिए गए हैं। मैं उस ऑफिसर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसने कहा कि 90% ये सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो उत्पन्न का दाखिला, जो इनकम सर्टिफिकेट आप लोग फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं, वो किसी वैलिड SCO का नहीं है। एक वैलिड विशेष कार्यकारी अधिकारी जो है मुंब्रा में, वो फिलहाल 8 है। सिर्फ 8 ऐसे लोग वैलिड है जो औरतों को, बेवाओं को, ज़रूरतमंदों को सर्टिफिकेट देकर बोल सकते हैं कि इनकी सालाना आय, इनकम जो है वो 1,00,000 से कम है। जैसे आप बता रहे थे कि जितने नगर सेवक हैं वो माजी हो चुके हैं और उन लोगों का SCO वाला सर्टिफिकेट चलाया जा रहा है और ये रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा, फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये हम थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में जाकर ये पर्चे निकाल कर लाते हैं, इसमें ये लोग सारी चीज़ें लिख कर साइन करते हैं। जो ऑफिसर जिसके मातहत ये स्कीम है, 14 करोड़ और कुछ 1,00,000 रुपए टोटल इस स्कीम्स में खर्चा किए जा रहे हैं। जाहिर सर, अगर तरतीब से सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे NGOs खिदमत करने वाले तमाम लोग अगर तरतीब से काम करें, तो हम मुंब्रा के तलाकशुदा, बेवा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम 3 करोड़ रुपए तक की मदद ला सकते हैं, अगर तरतीब से काम किया जाए। जैसे मोहम्मद भाई बता रहे थे कौन कौन सी स्कीम में कितने हैं, इसमें सबसे पहले ही लिख दिया गया है
कि अगर लाभार्थी जो है वो एक प्रभाग समिति में कम पड़ते हैं या उनके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे प्रभाग समिति में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये जाहिर बात है कि मुमरा में 600 से ज़ायद ऐसी विवाहें हमारे पास नहीं है जिनके पास मुकम्मल कागजात हो, तो हमारे मुमरा शहर की विवाहों का फंड ये कलवा दीवा ये ठाणे शहर में चला जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी और आप सब की काहिलत है, हमारी कमज़ोरी रही है कि हम कागजात पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे थैली भर के कागजात लेकर आने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 10,000 15,000 25,000 ऐसे ही मिल जाएगा तो मेरे भाई और मेरी बहनों ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है। आप लोगों से अदबन गुजारिश होगी कि आप गौर से सुनते चले जाइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आप समझिए कि किसी भी स्कीम में फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबसे पहले आप अपना खुद का प्रूफ दे। मेरा नाम हसन मुलानी है तो मेरे पास कोई ऐसे कागज होने चाहिए जिसमें मेरी शक्ल हो और मेरा नाम हो कि ये हसन मुलानी है और ये यहीं रहता है, जिसमें आधार कार्ड काफ़ी होना चाहिए। आधार कार्ड पे अगर किसी बहन का फोटो नाम और पता अगर मुमरा का है तो ये काफ़ी होना चाहिए। लेकिन तमाम फॉर्म्स पर महानगर पालिका ने कहा है कि वोटर आईडी कंपलसरी है, आप यहाँ के वोटर भी होना चाहिए। मान लीजिए जाहिद सर कि 18 साल की एक लड़की की शादी होती है और 19 साल में तलाक कर जाती है या बेवा हो जाती है एक साल बाद और उसने इलेक्शन आईडी के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो स्कीम से बाहर हो गई, ये स्कीम से बाहर हो गई। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो लोग वोटर है या जो इनके पास वोटर आईडी है जिनका वोटर यादी में नाम आता है वही स्कीम के फायदे उठा सकते हैं। अगरचे आपके पास वोटर आईडी कार्ड या वोटर में आपका नाम नहीं आता तो इसके बाद दूसरा रहवासी दाखिला मंगाया गया है जो तहसीलदार देता है, जो कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद मिलेगा। अगर आज अप्लाई करें तो 1 से 1.5 महीने बाद मिलेगा। ये कितना बड़ा झोल है कि इससे 90% हमारी बेवाएँ हमारे मिस्कीन ज़रूरतमंद लोग सीधा स्कीम से बाहर हो जा रहे हैं। अब हमारे पास कितनों के पास तहसीलदार का रहवासी दाखिला है, आप हाथ उठा सकते हैं मेरी बहनें। तहसीलदार का बनाया हुआ रहवासी दाखिला एक इस तरफ और एक उस तरफ से दो लोग हैं पूरे हॉल में और हॉल जायद 200 जायद कुर्सी से भरा पड़ा है। अच्छा, ऐसी कितनी बेवाएं हैं, तलाकशुदा औरतें हैं, जरूरतमंद हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है। मैं 50% भी नहीं बोल सकता कि हॉल हाथ पे 50% ने भी उठाया हो, मुश्किल से अगर हम गिने तो 25 और अब ये एक बड़ा मसला है। आप इससे हिम्मत नहीं हारिए, इससे हिम्मत मत हारिए, ये दिमाग में मत लाइए कि मुझे नहीं मिलेगा। और अगर इस बार नहीं मिला तो अगली बार कैसे मिले इसकी तरतीब बनानी। हर साल ये 3 से 4 करोड़ रुपए हमारे शहर के लिए बड़ी आसानी से महानगर पालिका की तरफ आते हैं, महानगर पालिका की तरफ से आते हैं। हमें सिर्फ 2 से 3 अहम कागजात बनाने होते हैं। रहवासी दाखिला कि हम इस जगह रहते हैं, ठीक है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, कभी खराब नहीं होता, एक्सपायर नहीं होता। आपने आज बना लिया, आपके बच्चों की कॉलेज के एडमिशन में, आपके स्कीम्स के लिए, तमाम चीजों के लिए काम आएगा। तो याद रखिए, वो लोग जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है या जिनका वोटर आईडी में नाम आता है, नाम भी आता है तो उतना भी चल जाएगा। ये पहली चीज है। मैं आता हूँ स्कीम्स पर, फिर कागजात पर एक एक करके बात करते हैं इंशाल्लाह। स्कीम नंबर 5, जैसे मोहम्मद भाई ने स्कीम नंबर 1, 2, 3 और 4 बता दिए, मेरे जिम्मेदारी पर स्कीम नंबर 5 के बारे में बताना है। स्कीम नंबर 5 है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी स्पोर्ट्स में है, वो कैरम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, ऐसे बच्चों को 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000, ऐसे 4 अलग अलग लेवल पर पैसे मिलेंगे उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, खेलते हैं। और DSO सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, DSO का सर्टिफिकेट हो,
कि ये थाना जिला लेवल पर खेलने वाला लड़का है, स्टेट लेवल, महाराष्ट्र लेवल पर, या इंडिया लेवल पर, या इंटरनेशनल लेवल पर। आप देख सकते हैं कि हमारे शहरों में कई सारे कराटे के क्लासेस हैं, कई सारे फुटबॉल की एकेडमीज हैं, कई सारी क्रिकेट की एकेडमीज हैं, लेकिन DSO लेवल पर अगर हमारा बच्चा खेलता हो, सरकारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अगर हमारे बच्चे की खेलने की नोंद हो रही हो, तो इन बच्चों को 5, 10, 15, 20 हज़ार मिलेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ एक DSO का सर्टिफिकेट होता है, वो माँ बाप का आई कार्ड और बैंक का पासबुक लगेगा, और आपके अकाउंट में 5, 10, 15, 20 हज़ार जितने हैं उस हिसाब से पैसे आएंगे। कितने लोगों को आएंगे? पूरे ठाणे महानगर पालिका में तकरीबन 18 बच्चों को आने वाले हैं। 18 मतलब उमरा के 2 बच्चों को मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि जो ठाणे महानगर पालिका लिखा हुआ है, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये बहुत बड़ा है। इसमें पूरा दीवा का एक शहर आता है, पूरा मुमरा आता है, पूरा कलवा आता है, और पूरे ठाणे का शहर आता है। कुल मिलाकर 9 अलग अलग वार्ड है, 9 टुकड़े किए गए, तो हर स्कीम के 9 टुकड़े हैं। तो अगर 18 बच्चों को फायदा पहुंच रहा है, तो हर टुकड़े में से 2-2 बच्चों को मिलेगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हमारे लेकिन आपको ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है, यहाँ पर रफीक चाचू कौन है हेल्थ ऑफिसर अमृत नगर के क्लिनिक पे? हेमांगी घोड़े मैडम है। तो वो ठाणे महानगर पालिका के जो दवाखाने अमृत नगर के दरगाह के पीछे है, राजन किले साहब के ऑफिस के पास है, या हमारा MM वैली वाला जो हॉस्पिटल है, वहां पर जो डॉक्टर है, वो अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखकर लेटर लिख कर देते कि आपको TB है, कैंसर है, एड्स है, या आपके रिश्तेदार जिसको फालिस पैरालाइज हुआ है, वो लिख कर दे दे, वो लेटर काम आएगा और उससे 25,000 रुपये आपको आएंगे। सबसे अहम कागजात तो ये है कि हॉस्पिटल का लेटर होना चाहिए, वो भी म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल, म्यूनसिपैलिटी हेल्थ ऑफिसर का। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपके फोटो, आपके बैंक के पासबुक का जेरोक्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि वोटर आईडी कार्ड या वोटर स्लिप में नाम या रहवासी का दाखिला, इनमें से कोई भी एक, तब जाकर आपको 25,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, और ये सारी स्कीम्स जो मोहम्मद भाई बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी इनकम, जिनकी सालाना आमदनी 1,00,000 रुपये से कम है। साल में 1,00,000 से कम कमाते हैं आप, आपकी फैमिली नहीं, ठीक है, आपकी फैमिली नहीं, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे। अगर आप कहीं काम नहीं करते तो आप 1,00,000 से कम कमाते हैं, ठीक है। आपका बेटा भार्गव में और 50,00,000 कमा रहा है, तो वो आपकी इनकम नहीं है, ठीक है। आपकी इनकम अगर 1,00,000 से कम है तो आप एलिजिबल हैं, आप उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब आपके पास 1,00,000 से कम की इनकम है, ये कौन बताएगा? तो ये तहसीलदार बताएगा। तहसीलदार कहाँ बैठता है? थाना में बैठता है। स्कीम नंबर 7 है, ऐसी औरत जिसका शौहर अभी 1 साल के अंदर इंतकाल किया हो, ऐसी औरत जिसका मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023, ये 12 महीने में अगर किसी का शौहर इंतकाल किया हो या तलाक हुआ हो, नहीं यहाँ पर सिर्फ इंतकाल दिया हुआ है, डेथ दिया हुआ है, अगर इंतकाल हुआ हो तो ऐसी औरत को 25,000 रुपए की मदद मिलेगी।
पूरे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने लोगों को मिलेगी? तकरीबन 1100 लोगों को। मतलब एक साल के अंदर जो बेवा औरत हुई होगी, ऐसी 133 बेवा औरतों को, मुमरा के 133 बेवा औरतों को 25,000 रुपए एक साथ में अमाउंट आएगा साल का। अब उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? वो औरत का यहाँ का इलेक्शन आईडी या वोटर लिस्ट या यहाँ का रहवासी दाखिला। ये बड़ा बड़ा परेशानी वाला मामला है जाहिर सर। इसके बाद शौहर का डेथ सर्टिफिकेट, जो शौहर था वो इंतकाल कैसे किया उसका डेथ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, जो बेवा औरत है उसका आधार कार्ड, बेवा औरत का पासबुक, बैंक पासबुक के 2 जेरोक्स लगेंगे हर स्कीम में, हर स्कीम में बैंक पासबुक के 2 जेरोक्स लगेंगे, और उस बेवा औरत का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि उसकी कमाई साल की 1,00,000 से कम है। मैं वापस से बोलता हूँ, उसका एक आईडी प्रूफ, या तो इलेक्शन आईडी, वोटर आईडी, जो 60 साल से ऊपर की औरतों के लिए, गौर से सुनेगा, 8 नंबर की स्कीम है, ऐसी औरतें जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो बेवा है, 60 साल से ऊपर हो और वो बेवा हो, वो अभी बेवा हुई हो साल भर के अंदर या पहले कभी भी बेवा हुई हो, बेवा हो या तलाकशुदा हो, 60 साल से ऊपर की औरत, उनको 12,000 रुपए की मदद मिलेगी, जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा 12,000 रुपए। ऐसे कितने बेवाओं को आएगा? 6,806 बेवाओं के लिए है। मतलब अगर तरीके से काम किया जाए तो मुमरा की 60 साल से ऊपर की बेवा औरतों के 756 बेवा औरतों को हम लोग 12,000 की मदद दिला सकते हैं। आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना करोड़ हो जाता है, आप हिसाब लगा सकते हैं। साल में एक बार 12,000 रुपए आपको आएंगे 756 बेवाओं को। उसके लिए क्या लगेगा? फिर वही बात कि वो औरत का या तो वोटर आईडी हो, या उसका इलेक्शन में नाम आता हो यादी में, या तहसीलदार का रहवासी दाखिला हो, शौहर का मृत्यु का दाखिला, डेथ सर्टिफिकेट हो कि मेरा शौहर मर चुका है, आधार कार्ड हो, पासबुक की 2 जेरोक्स हो, और 1,00,000 से कम का इनकम हो कि मैं 60 साल से ऊपर की बेवा हूँ और मेरी कमाई 1,00,000 से कम है। आपको 12,000 रुपये एक साथ में आपके बैंक में आएंगे। ये स्कीम नंबर 7 और स्कीम नंबर 8 ये धड़ल्ले से चल रही है पूरे मुमरा में, लेकिन फिर वही मामला है कि हमारे पास मुकम्मल कागजात नहीं है। इसके बाद स्कीम नंबर 9 आता है। स्कीम नंबर 9, ऐसी औरत जिसके घुटने में दर्द हो और उसे घुटने का ऑपरेशन करने कहा गया, 18 साल से लेकर 60, 70, 80 कितनी भी उम्र की हो, ऐसी औरत जिसका नी रिप्लेसमेंट कहा गया हो, जिसका घुटने का ऑपरेशन करना हो, ऐसी औरतों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अब इसके लिए क्या चाहिए? वही आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में नाम या रहवासी दाखिला। ये सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। उसके बाद आपको म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल का एक लेटर चाहिए डॉक्टर का, जिसमें लिखा हो कि फला पेशेंट के सही में घुटने में दर्द है और उसे घुटने के ऑपरेशन की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। जैसे वो हॉस्पिटल का लेटर मिलता है सरकारी डॉक्टर का, उसके बाद आप 1,00,000 से कम का सर्टिफिकेट, और अगर ऐसी औरत जिसने अपना ऑपरेशन करा लिया है, समझ लीजिए आपने ऑपरेशन कराया है, तो आपके ऑपरेशन करे हुए का बिल, बिल का जेरोक्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें आप कॉपी अटैच करोगे, बैंक का पासबुक का 2 जेरोक्स, आपका फोटो वगैरह, ये सब अटैच करेंगे तो आपको 50,000 रुपये की मदद आएगी। कितनी औरतों को मिलने वाले हैं पूरे मुमरा में? पूरे मुमरा में सिर्फ और सिर्फ 5 औरतों को मिलने वाले हैं, पूरे मुमरा में 5, और पूरे टीएमसी में 45 औरतों को 50,000 देने वाले। इसके बाद आती है स्कीम नंबर 10, ऐसी औरतें जो बचत गट चलाती हैं। बचत गट शायद आपने सुना होगा, हर महीने का 10-10, 20-20 रुपए ऐड करते हैं। ऐसी औरतें जो बचत गट चलाती हैं, 3 साल से चला रही है, और उसने ठाणे महानगर पालिका में बताया है, नोंद किया हुआ है अपना बचत गट, कि हम बचत गट चलाते हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन है महिला बाल कल्याण में। ऐसे बचत गट को तकरीबन 10-10,000 रुपए मिलने वाले, तकरीबन 50 बचत गट को ऐसे 10-10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद स्कीम नंबर 11, ये भी एक बहुत अहम स्कीम है, जिसमें बताया गया है कि इस साल
मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक अगर किसी को बेटी पैदा हुई हो, अगर किसी को बेटी पैदा हुई हो, पहली हो या दूसरी हो, मतलब आपको बेटा था या बेटी हुई, या पहली बेटी हुई, या एक साथ दो बेटी हुई, या एक साथ बेटा बेटी दोनों हो गए, इस साल में बेटी पैदा हुई हो, पहला बच्चा हो दूसरा बच्चा हो, ऐसे माँ को 15,000 रुपये की मदद मिलेगी। अब उसके लिए क्या चाहिए, उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड कि भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला हुआ है, उस माँ का जिसने बच्चा जनी है, बेटी जनी है, उस माँ का वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में नाम या रहवासी दाखला, पासबुक का जेरोक्स और 1,00,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट। आप देख लीजिए, रहवासी दाखला या वोटर आईडी, पासबुक का जेरोक्स और 1,00,000 से कम का सर्टिफिकेट, ये हर स्कीम में लग रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसे कितनी माओं को मिलेगा, तकरीबन 630 माओं को मिलेगा। और मुमरा की कितनी माओं को मिलेगा, 70 ऐसी माओं को 15,000 की मदद मिलेगी जिनको इस साल बेटी पैदा हुई हो। स्कीम नंबर है 11। इसके बाद आती है स्कीम नंबर 12, जो औरतों के लिए सबसे आखिरी है। ऐसी औरतें जिन्होंने अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया हो, बर्थ कंट्रोल मेजरमेंट जिसे कहते हैं कि इसके बाद उस औरत को बच्चे ना होंगे, कोई भी उम्र हो 18 साल से लेकर 60 साल तक, अगर उसने अपनी पहली बेटी होने के बाद या दूसरी बेटी होने के, दो बच्चे होने के बाद, अगर इस साल में मार्च 2022 से लेकर अप्रैल मार्च 2023 तक साल में अगर उसने अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया है तो उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। उस ऑपरेशन का लेटर कि मैंने मेरे बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया है। इसके अलावा वही आईडी प्रूफ जो मैंने बताया, रहवासी दाखला या फिर वोटर आईडी, बैंक पासबुक के 2 जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स, और ये एक लिख कर देना होगा कि मेरे 2 ही बच्चे। अगर किसी औरत के 5 बच्चे और उसके बाद उसने बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया तो नहीं चलेगा। सरकार चाहती है कि आप 2 बच्चे पैदा करने के बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लें तो हम आपको 25,000 रुपये देंगे। ऐसे कितने लोगों को मिलने वाला है,